ताजा हाँ, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम अपनी चाइनीज का, जैसे कि आपको पता है कि चाइनीज का इस चैनल पे हम इजी चाइनीज के नाम से ये चैनल हमने स्टार्ट किया है, तो इसमें जैसे कि आपको पता है कि आज ऑलरेडी हम दो लेसन पढ़ चुके हैं, पहला लेसन और दूसरा लेसन, जैसे कि आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। आज हमारा थर्ड लेसन है, जिस लेसन के बीच में हम एक्सप्लेन करेंगे शिमा की, एक रिवीजन करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि चाइनीज लैंग्वेज को लर्न करने के लिए जब तक क्वेश्चन पार्टिकल्स आपको क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि देखिए जब तक क्वेश्चन और ग्रामेटिकली ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, आप तब तक कोई भी क्वेश्चन खुद से नहीं बना सकते। क्योंकि वर्ब का आना, वोकैबुलरी का न्यू सीखना, वो तो आप जैसे भी हैं, आपको अगर ग्रामर आती होगी तो आप उसके बीच में इजीली फिटिंग कर सकते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट मान लिया है कि इस ग्रामर को पूरा लर्न करना जरूरी है। तो आज हम अपने तीसरे लेसन में रिव्यू करेंगे कि शम्मा को हम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। ओके, कम ऑन द बोर्ड। जैसे हमने देखा था, आपको वर्ड नजर आ रहा है च्याओ। च्याओ मीन टू कॉल। छिर, छिर का मतलब है टू ईट, खाना। ख पीना। माय टू बाय, खरीदना। खान वॉच करना या देखना किसी चीज को। श्वेशी, श्वेशी का मतलब है स्टडी करना, किसी चीज को पढ़ना। अब हम आते हैं थोड़ा सा, आप देखिएगा, जैसे हमने मैंने पहले लेसन में आपको क्लियर कर चुका हूं, शम सब्जेक्ट यानी जो काम कर रहा है उसके बारे में जो चीज है उसमें, जैसे आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका, नी का मतलब है यू, जैसे तुम के लिए हम जो यूज करते हैं, था, ही, शी, इट यानी लड़के के लिए, वो लड़का या लड़की के लिए जो हम यूज करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास वर्ड है फांगयो। फांगयो का मतलब है दोस्त, फ्रेंड। लाओशी यानी टीचर, टीचर। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है लाओपान। लाओपान का मतलब है बॉस। किसी भी चाइना में, किसी भी दुकान पे चले जाएं या किसी ऑफिस में चले जाएं, जो उनका बॉस होगा यानी जो लीडर होगा, आप उसको इजीली कह सकते हैं कि लाओपान, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है पापा। ये तो आपको सिंपली पता है, ये इट्स वेरी कॉमन कि ये अब्बू के लिए वर्ड यूज हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड अली, जैसे एक नेम है, एक सिंपल नाउन है ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे हम आते हैं वर्ब के ऊपर, व्हाट इज द वर्ब एक्चुअली, हम इस वर्ब में क्या पढ़ रहे हैं, जो एक्शन हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है, लेट्स सी। अब देखें इसमें चाओ टू कॉल मीन, और इसके बाद देखें अगर मैं कहता हूं नी चाओ शम्मा, शम्मा का मतलब है व्हाट। अगर मैं कहता हूं यू कॉल व्हाट, आप क्या कहलाते हो, आप देखें चाओ का मतलब है टू कॉल, तो मतलब बन गया तुम कहलाते क्या, यानी तुम क्या कहलाते हो। ये एक शॉर्ट मीनिंग में हम कह सकते हैं नी चाओ शम्मा। किसी से अगर आपको नाम पूछना हो चाइना में तो हम सिंपल उसे कहते हैं नी चाओ शम्मा। अब इसी तरह अगर मैं पूछता हूं, अगर हम इसको करते हैं था चाओ शमा, उसका नाम क्या है, था चाओ शमा। फिर इसी तरह आप कह सकते हैं फांगयो चाओ शमा, दोस्त का नाम क्या है। लाओशी चाओ शमा, टीचर का नाम क्या है। फिर आप कह सकते हैं कि लाओपान चाओ शमा, लाओपान का नाम क्या है। इसी तरह देखते जाए आप पापा चाओ, लेकिन देखिए हम पापा चाओ शमा नहीं कह सकते, क्योंकि पापा चाओ शमा एक डिफरेंट सेंस है, क्योंकि वो हम अब्बू का नाम नहीं पूछ सकते। अगर हम कहते हैं अली भी हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी एक नाम है, ठीक है, अली का नाम ऑलरेडी हमें पता है, तो फिर हम अली का नाम नहीं पूछ सकते। फिर इसी तरह नेक्स्ट में जाते हैं, छिर खाने की बात हो रही है, तुम क्या खाओगे, नी छिर शमा। अब इसी तरह पीने की बात हो रही है, नी ख शमा, तुम क्या पियोगे, नी माए शमा, तुम क्या खरीदोगे, नी खन शमा, तुम क्या देखोगे, नी श्वेशी शमा, तुम क्या पढ़ोगे। यानी मतलब ये है कि सिर्फ वर्ब को चेंज करते जाएं और आप शमा एंड पे यूज करके आप इजीली उसको पूछ सकते हैं कि आप क्या पढ़ना चाहते हो, आप क्या देखना चाहते हो, आप क्या खरीदना चाहते हो। तो मतलब ये है कि हम सिर्फ इस सेंटर में वर्ब को चेंज करेंगे, बकाया हमारा रिमेन वही रहेगा। और बी रिमेंबर, जैसा सवाल किया जाए आपने वैसा ही जवाब रिपीट करें। लेट्स सी, अब देखते हैं हम कैसे कहते हैं। लेट्स सपोज उसने पूछा नी चाओ शमा, तुम कहलाते क्या। अब हम कहते हैं, अगर हम यहां पर एक जुमले का जब हम जवाब दे रहे होंगे सीक्वेंस में, तो हम कहेंगे वा। वा का मतलब है आई एंड मी। अगर मैं कहता हूं वा चाओ अली, मीन आई कॉल अली, मैं अली कहलाता हूं, वा चाओ अली। इसी तरह अगर मैंने पूछा था चाओ शमा, उसका नाम क्या है, अब ये इसमें लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, तो हम क्या कहेंगे, था चाओ अली, यानी हमारा जवाब क्या होगा, था चाओ अली। इसी तरह अगर सवाल किया जाए था छि शमा, वो क्या खाएगा, था छि, हम यहां पर इसके साथ कर सकते हैं, छि की बात आ रही है तो हम इसको कर सकते हैं फिंग गुआ,
यानी वो सेब खाएगा। फिर हम कहते हैं था ख शम्मा, वो क्या पिएगा, तो हम कहेंगे था ख छा, यानी वो टी पिएगा, था ख छा। फिर वो पूछता है था माए शम्मा, वो क्या खरीदेगा, तो हम कहेंगे था माए छ यूज कर सकते हैं हम, छ यानी गाड़ी के लिए, कार, छ गाड़ी के लिए हम यूज करते हैं, राइट। फिर हम यूज करते हैं था खन शम्मा, वो क्या देखेगा, था खन शम्मा, वो क्या देखेगा, तो हम कहेंगे था खन त्यान श, त्यान श का मतलब है टीवी, वो टीवी देखेगा, राइट। इसी तरह अगर आता है था श्वेशी शम्मा, वो क्या पढ़ेगा, तो हम कहेंगे था श्वेशी खयू, खयू का मतलब है चाइनीज लैंग्वेज। सो मतलब कहने का ये है कि आप इसी तरह हम तमाम चेंज करते हैं, फांगयो चाओ शम्मा, फांगयो चाओ अली, जस्ट वी हैव टू गिव द रिप्लेसमेंट ऑफ शम्मा, क्योंकि शम्मा हमारे पास एक क्वेश्चन पार्टिकल है जिसकी हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, आप इसके सिर्फ रिप्लेस में आपने सिर्फ इसके जवाब बात देने। जैसे आप देखें फांगयो चाओ शम्मा, फांगयो चाओ अली, फांगयो छ शम्मा, फांगयो छ फिंगवा, फांगयो ख छा, फांगयो माए छ, फांगयो खन टेंश, फांगयो श्वेशी खयू, यानी इसके साथ हम जैसे जैसे वर्ड्स उतारते जाएंगे उसके साथ साथ हम उसकी रिप्लेसमेंट देते जाएंगे, शम्मा की जगह सिर्फ ऑब्जेक्ट डालते जाएंगे और हमारे क्वेश्चंस उसी तरह वापस आते जाएंगे। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। ये आज हमारा सेगमेंट था जिसके बीच में हमने क्लियर करना था, एक रिव्यू करना था जो फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर था। तो आज हमारा ये शम्मा का क्वेश्चन पार्टिकल्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें एक छोटी सी चीज क्लियर करता चलो, यहां पर जेन में रखिएगा सिर्फ हमें ऑब्जेक्ट की रिप्लेसमेंट की वोकैबुलरी को याद करना। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम में लास्ट लेक्चर में बहुत सारे वर्ड्स दिए थे जिसके बीच में हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स फर्दर आपको मेंशन किए हुए हैं, आप हमारे लेसन वन और लेसन टू में भी वो चीजें प्रॉपरली देख सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज डू, अगर आप हमारे साथ इस चैनल पे आप फर्दर लर्न करना चाह रहे हैं, डू सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड वेरी सून हमारे पास बहुत सारी और अपकमिंग वीडियोज हैं जो आपके साथ हम शेयर करेंगे ताकि आपको मजीद से मजीद फायदा हो सके। बाय द वे, अगर यहाँ पर किसी को कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं समझ आ पा रहा शम्मा के बारे में, तो डू कमेंट अस, एंड फर्दर हम श्योर लाजमी है कि कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई आप फीडबैक देना चाह रहे हैं, तो काइंडली डू कमेंट अस ताकि हम फर्दर आपके लिए इस चीज़ में बेहतरी कर सकें। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, होप दैट यू आर लर्निंग गुड, आई होप कि आप फ्यूचर में भी हमारे साथ चलेंगे, और मेक इट चाइनीज, जस्ट लिटिल प्रैक्टिस, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, चाइनीज मुश्किल जुबान नहीं है। जैसे आपने देखा, आपने आज ये सीख लिया कि आपका नाम क्या है, आप क्या खाएंगे, आप क्या खरीदेंगे, आप क्या पियेंगे, आप क्या पढ़ेंगे, तो हमें उसका जवाब भी वैसे ही दिया है, ठीक है। तो बी स्टे विद अस और जस्ट सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड प्लीज प्रेस द बेस्ट बेल आइकॉन बटन ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस भी मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।